खेल संग्राम में आप सभी का स्वागत है। विजय हजारे ट्रॉफी का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला आंध्र और सौराष्ट्र के बीच खेला गया, जिसमें सौराष्ट्र ने धर्मेंद्र सिंह जडेजा की शानदार गेंदबाजी के दम पर आंध्र को 59 रनों से हरा फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। अब इस टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में सौराष्ट्र का सामना कर्नाटक से होगा। तो ये जानते हैं दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में खेले गए इस मैच का पूरा हाल। टॉस जीतकर आंध्र ने पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। बल्लेबाजी करने उतरी सौराष्ट्र को शिवा कुमार ने लगातार दो झटके दिए। अभी बरोत और चिराग जानी को एक के स्कोर पर शिवा कुमार ने पवेलियन लौटाया। 46 रन पर खेल रहे ओपनर सामर्थ व्यास कार्तिक रमन की गेंद पर बोल्ड हुए। कप्तान चितेश्वर पुजारा भी 53 गेंदों पर सिर्फ 17 रन बना कार्तिक रमन का शिकार बने। 59 रन पर ही 4 विकेट गवा देने के बाद सौराष्ट्र की टीम बैकफुट पर नजर आ रही थी, लेकिन इसके बाद रविंद्र जडेजा और अर्पित वासवाद ने 5वें विकेट के लिए 113 रन जोड़ अपनी टीम की मुकाबले में वापसी कराई। अर्पित वासवाद ने 59 गेंदों पर 4 चौके और 2 छक्के लगा 58 रन की पारी खेली। अर्पित वासवाद को 58 के स्कोर पर कार्तिक रमन ने सुमंत के हाथों कैच करा पवेलियन लौटाया। वही स्टार बल्लेबाज रविंद्र जडेजा 51 गेंदों पर 4 चौके और 1 छक्का लगा 56 रन की पारी खेलने के बाद रन आउट हुए। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए कमलेश मकवाना 19 और धर्मेंद्र सिंह जडेजा 0 पर बंदारू अयप्पा का शिकार बने। शौर्य सानंदिया को 3 रन के स्कोर पर शशिकांत ने श्रीकर भरत के हाथों कैच करा चलता किया। हालांकि गिरते विकेटों के बीच प्रेरक माकड़ ने 28 गेंदों पर 40 रन की पारी खेल अपनी टीम का स्कोर 250 रनों के पार कराया। प्रेरक माकड़ को कार्तिक रमन ने रिकी भुई के हाथों कैच करा सौराष्ट्र का आखिरी विकेट चटकाया, जबकि हार्दिक राठौर 5 रन बना नॉट आउट रहे। इस तरह सौराष्ट्र ने 49.1 ओवर में 10 विकेट पर 255 रन बनाए। आंध्र के लिए सबसे ज्यादा कार्तिक रमन ने 4 विकेट झटके, जबकि बंदारू अयप्पा ने 2, शिवा कुमार ने 2 और शशिकांत ने 1 विकेट चटकाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी आंध्र ने 21 रन पर अपना पहला विकेट गवाया। अश्विन हेबर 12 रन बना शौर्य सानिंदिया की गेंद पर चिराग जानी को कैच देकर पवेलियन लौटे। वही ओपनर श्रीकर भरत को चिराग जानी ने 29 के स्कोर पर पवेलियन लौटाया। कप्तान हनुमा विहारी भी 25 रन बना प्रेरक मारकंड की गेंद पर अभी बरोत को कैच देकर चलते बने। 13 रन बनाकर खेल रहे रिकी भुई रन आउट हुए। हालांकि इस बीच सुमंत और रवि तेजा ने 5वें विकेट के लिए 59 रन जोड़े। सुमंत ने 63 गेंदों पर 42 रन बनाए। सुमंत को 42 के स्कोर पर धर्मेंद्र सिंह जडेजा ने चलता किया। इसके बाद शशिकांत 0, शिवा कुमार 10 और कार्तिक रमन भी 0 पर धर्मेंद्र सिंह जडेजा का शिकार बने। वही 53 गेंदों पर 42 रन बनाकर खेल रहे रवि तेजा शौर्य सानिंदिया की गेंद पर बोल्ड हो गए। बंदारू अयप्पा को 13 रन के स्कोर पर कमलेश मकवाना ने धर्मेंद्र सिंह जडेजा के हाथों कैच करा आखिरी विकेट झटका, जबकि भार्गव भट्ट 5 रन बना नॉट आउट रहे। इस तरह आंध्र की पूरी टीम 45.3 ओवरों में 196 रन पर सिमट गई और मुकाबला सौराष्ट्र ने 59 रनों से जीता। सौराष्ट्र के लिए सबसे ज्यादा धर्मेंद्र सिंह जडेजा ने 4 और शौर्य सानिंदिया ने 2 विकेट झटके, जबकि चिराग जानी, प्रेरक माकंड और कमलेश मकवाना ने 1-1 विकेट चटकाए।